उत्तराखंड में आए दिन स्कूल बसों के हादसे सामने आते हैं, जिस पर अब परिवहन विभाग सख्त हो गया है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी का कहना है कि लगातार देखा जाता है कि जो स्कूल बसें हैं या फिर कैब हैं या अन्य वाहन हैं जो स्कूल को बच्चों को लाने ले जाने के कार्य करते हैं, अपने वाहनों में क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाते हैं, जिससे हादसे होने की संभावना बनी रहती है। परिवहन विभाग समय समय पर इन पर कार्रवाई भी करता है और जागरूकता करने के लिए स्कूलों में कैंप लगाता है, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है कि लोग फिर भी क्षमता से अधिक बच्चे अपने वाहनों में बिठाते हैं। अब ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी, जल्दी ऐसे वाहनों को चालान के साथ साथ सीज भी किया जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। स्कूल के वाहनों में शिकायतें रहती हैं, जैसे स्कूल के बस हैं या वैन हैं, कई लोगों को शिकायत होती है कि जो क्षमता होती है उससे अधिक सवारी या बच्चे बैठा रहे हैं, वो इससे दुर्घटना होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम लोगों ने एक अभियान भी बीच में चलाया था, स्कूल के वैन हैं उनकी वेरिफिकेशन का ड्राइव भी चलाया था। तो अब ये शिकायतें कम हो रही हैं, चालान चूंकि ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा विजिबल हैं, रोड पे ज़्यादा हम टाइम गुजार रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि जो आप बता रहे हो कि ज़्यादा सवारी ढोने की, वो उसका चलन कुछ कम हो रहा है। और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि जितनी निर्धारित क्षमता गाड़ी में बैठने की है उतने ही बच्चे उस गाड़ी में बैठें।